बहुत बहुत वेलकम करूंगा फ्रेंड्स एक बार फिर आप सबका आपके ही यूट्यूब चैनल रिंकू शर्मा के ऊपर। और पिछले दो वीडियोस दिए मैंने आपको, पहला वीडियो दिया जिसमें मैंने आपको बताया कि दुबई के इवेंट में क्या क्या रहा, फिर मैंने आपको कुछ डैशबोर्ड दिखाया जहां पर मैंने आपको दोनों डैशबोर्ड दिखाए, फोरेक्स वाला भी और क्रिप्टो वाला भी। नेक्स्ट वीडियो मैंने बनाया जहां पर मैंने दिखाया आपको कि बिटकॉइन को कैसे बाय करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम, हमारे पास दो डैशबोर्ड है, एक डैशबोर्ड है फोरेक्स का, दूसरा डैशबोर्ड है हमारे पास क्रिप्टो का, तो हम कैसे फोरेक्स से फंड ट्रांसफर कर पाएंगे अपने किसमें, क्रिप्टो वाले में, और वहां पर जो है पिन जनरेट करके या तो हम अपनी टीम की आईडी लगा सकते हैं या फिर अपनी आईडी को लगा सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं कि फोरेक्स में जो हमारे पास विड्रॉल आ रहा है उसे हम ट्रांजेक्शन वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हैं और वहां से ट्रांसफर करके यहाँ पिन लगा के भी हम काम कर सकते हैं। इसमें दो बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो यह कि हमारी मिनिमम 2% की तो सेविंग हो ही रही है। कैसे हो रही है कि अगर मैं बिटकॉइन में विड्रॉल मारता हूँ मेरा 5% जाता है, मीन्स 5% जाता है, और जब मैं उसको विड्रॉल करता हूँ फिर वहां पर आईडी लगाता हूँ तब भी कुछ ट्रांसफर के चार्जेस लग जाते हैं जब मैं दोबारा आईडी अपग्रेड करता हूँ। यहाँ क्या करना है, मुझे अपने फंड को करना है ट्रांजेक्शन वॉलेट में ट्रांसफर। वो कहाँ से होगा, या तो ट्रेडिंग में से होगा या कमीशन में से होगा, उसके मेरे पहले के वीडियो पड़े हुए हैं। और फिर ट्रांजेक्शन वॉलेट में से आपको इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, जब ट्रांजेक्शन वॉलेट में जाएंगे तो वहां पर एक ऑप्शन आ रहा है जहां पर वो ट्रांसफर करना है हमारा बिटकॉइन के वॉलेट में। जब वो बिटकॉइन के वॉलेट में आ जाएगा तो अपने बिटकॉइन के वॉलेट को ऑन करना है और वहां जाके पिन जनरेट कर लेना है। बोलने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है लेकिन जब मैं डैशबोर्ड पर आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना ईजी है। तो चलिए चलते हैं डैशबोर्ड पर और देखते हैं कि कैसे हम बिजट्रेड के जो एफएक्स है, फोरेक्स का प्लेटफॉर्म है, वहां से फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं बिटकॉइन के अंदर और अपनी आईडीज को ग्रीन कर सकते हैं। तो अब अपने पास दो प्लेटफॉर्म है, एक है फोरेक्स का और एक है क्रिप्टो का। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपको कहाँ काम करना है। अगर आपको लगता है फोरेक्स में काम करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइनिंग का लिंक है, जाएं ज्वाइन करें, स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि आपको क्रिप्टो के साथ जाना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाएं ज्वाइन करें और स्टार्ट करें। और जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं वैसे ही मुझे आप जो है एक इंटीमेट करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग का नंबर भी वही है, और आप मुझे कॉल करें और मेरे से डिस्कशन करें और बताएं मुझे कि मैंने ज्वाइन किया है तो मैं आपको अपने जो ग्रुप चल रहे हैं उन ग्रुप में ऐड कर लूंगा, वहां पर आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम बिजट्रेड जो कि एफएक्स का वॉलेट है वहां से बिजकॉइन के अंदर अपने फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं, इंटरनल फंड, एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं लेकिन इंटरनल फंड को ट्रांसफर कर सकते हैं और अपनी बिजकॉइन के अंदर भी अपनी एक आईडी को ग्रीन कर सकते हैं। इसके लिए मैं जाता हूँ अभी बिजट्रेड के अंदर और ये हमारा मैंने इंटरनेट आज थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है क्योंकि बोला भाई ऑफिस में रहता नहीं है, कभी तो कभी कहीं घूम रहा है, कहीं घूम रहा है, कई बार इंटरनेट जो है वो भी गड़बड़ कर ही जाता है। तो ये किया मैंने यहाँ पर क्लिक, अभी हमें जाता हूँ बिज लॉगिन के अंदर। अब मैं सॉरी बिज लॉगिन में नहीं जाता हूँ, जाता हूँ एफएक्स लॉगिन के अंदर। ठीक है, तो एफएक्स लॉगिन के अंदर मैं जैसे ही जाऊँगा तो मेरा एफएक्स ट्रेडर के नाम से अकाउंट है। मैंने ये क्लिक किया कि मैं रोबोट नहीं हूँ भाई, और मैंने लॉगिन पर क्लिक किया और इसके बाद जो है मैंने यहाँ पर कुछ बिजट्रेड का जो मेरा, अब यहाँ ध्यान देना आपके आपके पास दो गूगल ऑथेंटिकेटर होंगे, एक बिजकॉइन का और एक बिजट्रेड का, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपस में कंफ्यूज मत होना कि मेरा अकाउंट क्यों नहीं खुल रहा है। तो ये देखो जैसे कि अब मेरे से गलती होगी, मैं आपको बता रहा था और गलती मैंने खुद ही कर दी कि मैंने गलती से क्या करा था, बिजकॉइन का ही वॉलेट डाल दिया था और ये मैंने खुद डाला आपको दिखाने के लिए कि कैसे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो इसको फिर चेंज कर देते हैं और ये डाला मैंने ये और ये डाला मैंने ये और ये कर दिया मैंने इंटर। तो
जो है मेरा बिजट्रेड का जो अकाउंट है वो हो रहा है ओपन। और जैसे ही ओपन होता है तो आप देखेंगे यहाँ पर मेरे ट्रांजेक्शन वॉलेट में अभी 70 यूरो पड़े हुए हैं, ठीक है ना। 70 यूरो मेरे पड़े हुए हैं, तो मैं क्या करूँगा अभी ट्रांजेक्शन वॉलेट के ऊपर क्लिक करूँगा और ट्रांजेक्शन वॉलेट में जो मेरा पड़ा है ट्रांसफ़र टू बिज़कॉइन ट्रांसफ़र वॉलेट, यहाँ पर एक बटन आ गया है ट्रांसफ़र टू बिज़कॉइन ट्रांसफ़र वॉलेट, तो यहाँ पर किया तो कितना ट्रांसफ़र करना है मिनिमम यहाँ पर जो है आपको ट्रांसफ़र करना है, मान लो चलो मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ 60 करके देखते हैं 60 होता है या नहीं होता, क्योंकि मेरा यहाँ तो पड़ा हुआ है और 60 का ही उधर पिन लगना है। ये किया मैंने सबमिट, वाह तो इट्स तो गुड न्यूज़ है यार कि अब यहाँ पर 50-60 भी उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। अब जाता हूँ इस वाले डैशबोर्ड में और यहाँ पर करता हूँ मैं रिफ्रेश, तो देखते हैं कि यहाँ क्या आता है, कहीं ट्रांजेक्शन वॉलेट में कुछ दिखता है यहाँ पर या नहीं दिखता है। ये कौन सा ट्रांजेक्शन वॉलेट में आ गया भाई साहब, यहाँ पर मेरे पास में 60, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है मैंने अभी 1000 के 4 पैक बाई करे हैं, टोटल मैंने 1000 के 4 पैक बाई कर लिए हैं, तो टोटल मेरा जो अब यहाँ पर कैपिंग है वो 16000 की हो गई है, क्योंकि तो मैंने यहाँ पर मेरे पास 5000 टोटल नहीं था अभी लगाने के लिए, यार दुबई गया था खर्चे बहुत करे हैं, तो हज़ार हज़ार के मैंने यहाँ पर 4 पैक बाई करे जिनकी ट्रेडिंग मंडे को ऑन होनी है, क्योंकि तो मुझे पता था कि मैं 5000 नहीं ले पाऊँगा, इसलिए जो है मैंने 4000 से इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे बनाना है मान लो पिन 60 का, तो अब यहाँ पर मेरे ट्रांजेक्शन वॉलेट में जैसे कि आपको दिख रहे हैं कि 60 आ गए हैं, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जाता हूँ अब मैं कस्टमर ई पिन में, और कस्टमर ई पिन में जाके मैं यहाँ पर पिन जनरेट कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैं वहाँ से यहाँ फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और अपना 2% की सेविंग कर सकता हूँ अगर मुझे बिज़कॉइन के अंदर अपनी आईडी को लगाना है। तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ गया मेरे पास में मैंने वहाँ पर ट्रांजेक्शन सॉरी अपना जो है ट्रांजेक्शन वॉलेट में फ़ंड को ट्रांसफ़र किया बिज़कॉइन में, वहाँ ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है, अब मुझे यहाँ पर आईडी लगानी है, तो मैं 3% इसे ट्रांसफ़र कर पा रहा हूँ। अगर मैं उसको BTC में विड्रॉल करता तो मुझे टाइम लगता आने में, उसके बाद उसमें जो है मेरा 5% जाता, यानी 2% की सेविंग भी हो रही है साथ में। तो कस्टमर ई पिन के ऊपर गया मैं बाई ई पिन के ऊपर, और जैसे कि आपने देखा होगा कि मैंने 60 यूरो का एक पिन बनाया था, मतलब 60 यूरो यहाँ ट्रांसफ़र किया था, तो यहाँ जो है अभी हम 60 यूरो का एक पिन जनरेट करने वाले हैं, तो ये 50+10 का हो गया, और ये हो गया अब सबमिट। और जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया तो मेरे सामने ये पिन आ गया जो कि FX ट्रेडर के नाम से है। अभी मेरे साथ एक भाई बैठे हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट करना है, तो क्योंकि उनको जो है बाइनरी क्वालिफाई के लिए पिन चाहिए था, तो उनको जो 50 यूरो का एक पिन देना था, तो वो भाई मैं दे देता हूँ, जिसका नंबर है 8563-84794। क्या नंबर है ई पिन का? 8563-84794। लेकिन ये पिन जब तक आपके पास पहुंचेगा तब तक ये यूज़ हो चुका होगा, इसलिए ट्राई मत करें इस पिन के साथ में काम करने की, नहीं तो ये पिन आपके काम नहीं आने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका होगा तब तक। तो अगर ये भी मुझे लगता है कि आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आपको लगे ये वीडियो आपको और आपकी टीमों को हेल्प करेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपको भी इसका बेनिफिट मिले, आपकी टीमों को भी इसका बेनिफिट मिले और सभी लोग इसमें अच्छे रिजल्ट्स ले पाएँ। सो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपके लगे कि बिज़कॉइन मेरे साथ में करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बिज़कॉइन का लिंक है जिसका अभी ICO चल रहा है 22 सेंट के ऊपर, और अगर आपको लगता है कि आपको बिज़ट्रेड मेरे साथ करना है तो उसका लिंक भी वीडियो के नीचे है। बिज़ट्रेड क्या है, उसका प्लान क्या है, उसका लिंक भी आपको जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ को जो आपको ये आई बटन दिख रहा है अगर आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज़।